प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की किताब कल्पतरु की कविता प्रकृति से सीख पढ़ेंगे, जो पेज नंबर 63 पर है। कविता है आपकी प्रकृति से सीख, लर्निंग फ्रॉम नेचर। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि हमें प्रकृति से सीख लेने का संदेश दे रहा है, यानी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? उससे हम बहुत कुछ अच्छी बातें सीख सकते हैं, वही आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ कवि ने हमें इस कविता में ये भी बताया है कि हमें प्राकृतिक वस्तुओं के गुणों के महत्व को समझना चाहिए और उन्हें अपने अंदर ढालना चाहिए, यानी उन्हें अपने जीवन में हमें अपनाना भी चाहिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भोरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से मिल सीखो शीश झुकाना, और हवा से सीखो तुम कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। यहाँ पर कवि बता रहा है कि फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए। नित कहते हैं हमेशा, यानी फूलों से हमेशा हमें हंसना सीखना चाहिए। हंसना कौन सिखाता है हमें? फूल सिखाते हैं। और भोरों से क्या सीखना चाहिए हमें? गाना सीखना चाहिए। और यहाँ पर बता रहे हैं तरु कहते हैं पेड़, यानी पेड़ की झुकी डालियों से हमें क्या सीखना चाहिए? शीश कहते हैं सर, यानी सर को झुकाना सीखना चाहिए। और हवा से हम क्या सीख सकते हैं? कोमल भाव बहाना। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि दूध और पानी से हम क्या सीख सकते हैं? जिस तरह से दूध और पानी मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, उसी तरीके से हमें भी मिलना और मिलाना, यानी आपस में सीखना चाहिए, यानी एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि सूरज की किरणों से हम क्या सीख सकते हैं, वो हमें क्या सिखाती हैं? वो हमें जगना और जगाना सिखाती हैं, यानी सूरज निकल आने पर क्या होता है? दिन निकल जाता है और लोग जाग जाते हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं लता कहते हैं बेल, बेल और पेड़ों से हम क्या सीख सकते हैं? सबको गले लगाना, यानी सबसे प्यार करना, सबके साथ मिलकर रहना। और मछली से हम क्या सीख सकते हैं? स्वदेश कहते हैं अपना देश, मछली से हम अपने देश के लिए तड़प कर मरना सीख सकते हैं। और पतझड़ के पेड़ हमें क्या सिखाते हैं? पेड़ हमें सिखाते हैं दुख में धीरज धरना, यानी अगर कोई परेशानी है, दुख है, तो उसमें हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, ये हमें पतझड़ के पेड़ सिखाते हैं। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पथ पर चढ़ना। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि दीपक से हम क्या सीख सकते हैं? दीपक हमें सिखाता है कि जितना ज्यादा हो सकता है अंधेरा हरना, यानी अंधेरा दूर करना। और पृथ्वी से, यानी धरती से, जमीन से हम क्या सीख सकते हैं? जैसे जमीन हमारी सेवा करती है प्राणी की, यानी मनुष्यों की, बहुत सारी चीजें हमें देती है, इसी तरह से हमें भी पृथ्वी से सीखना चाहिए प्राणियों की सच्ची सेवा करना। और जल धारा, यानी पानी की धारा से हम क्या सीख सकते हैं? जीवन पथ पर, यानी जिंदगी में जो हमारा रास्ता है उस पर हम हरदम आगे बढ़ते रहें, ये सीख सकते हैं। और धुआं हमें क्या सिखाता है? धुएं से हम क्या सीख सकते हैं? क्योंकि धुआं ऊपर की तरफ जाता है, हमेशा ऊपर चढ़ता है, तो उससे हमें ऊंचे पद पर चढ़ना सीखना चाहिए। बच्चों, आपको पोयम कैसी लगी? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। चलिए अब इसका संदेश देखते हैं, इस पोयम से हमें क्या संदेश मिलता है। इससे हमें संदेश मिलता है कि हमें प्रकृति से हमेशा कुछ न कुछ सीख अवश्य लेनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए अब आपकी ये कविता जो है पूरी हो गई, अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। ये आपको शब्दार्थ जो है कॉपी के अंदर भी करने हैं और लिखने भी है, और आपको लर्न भी करने हैं। नित कहते हैं हमेशा, शीश माने होता है सिर, दीपक कहते हैं दिया, तरु पेड़, स्वदेश अपना देश, पथ रास्ता। चलिए एक्सरसाइज में का पार्ट देखते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए।
यहाँ पर पढ़कर तीन इसके विकल्प दिए हैं जो सही है उस पर हमें टिक लगाना है। जैसे पहला है हमें किसकी तरह हंसना चाहिए, पहला है यहाँ पर सूरज की तरह, दूसरा है फूलों की तरह और तीसरा है यहाँ पर भोरों की तरह। तो हमने कविता के अंदर क्या पढ़ा था, किसकी तरह हंसना चाहिए, फूलों की तरह, ये वाला हमारा सही है, इस पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। सेकंड है इसका हमें कोमल भाव बहाना किससे सीखना चाहिए, ऑप्शन है हमारा हवा से, पानी से, डालियों से। तो इसका सही ऑप्शन है हवा से, यहाँ पर टिक लगाएंगे इसमें। थर्ड है दुख में क्या रखना चाहिए, पानी, धीरज, दूध, धीरज वाला हमारा सही है, इस पर टिक लगाएंगे सही का। फोर्थ है जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमें किससे सीखना चाहिए, पृथ्वी, जलधारा, मछली, जलधारा, ये सही है हमारा, इस पर टिक लगाएंगे हम सही का। अब इसका खा पाठ देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, नीचे ये पांच आपके प्रश्न लिखे हुए हैं, इसके उत्तर आपको लिखने हैं। मैंने ये बुक में आपको लिखकर दिखाए हैं, लेकिन आप इसको कॉपी के अंदर लिखेंगे और याद भी करेंगे। फर्स्ट है जगना और जगाना हमें कौन सिखाता है, इसका उत्तर है जगना और जगाना हमें सूरज की किरणें सिखाती हैं। सेकंड है दूध और पानी से मिलना मिलाना क्यों कहा गया है, दूध और पानी से मिलना मिलाना इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार दूध और पानी मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं तो हमें भी उसी तरह आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तीसरा है गले लगाना हमें कौन सिखाता है, इसका उत्तर है गले लगाना हमें पेड़ और लताएं सिखाती हैं। चौथा है धीरज धरना हमें किससे सीखना चाहिए, धीरज, इसका उत्तर है धीरज धरना हमें पतझड़ के पेड़ों से सीखना चाहिए। और ये वाला आपका जो चौथा लिखा है बच्चों, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, आपका पांचवा क्वेश्चन है जलधारा हमें क्या सिखाती है, इसका उत्तर है जलधारा हमें जीवन पथ पर बढ़ना सिखाती है। गा पाठ देखिए, इसका रिक्त स्थानों को भरो, यहाँ पर खाली जगह दी है उसमें आपको कविता में से पढ़कर शब्द लिखने हैं। जैसे एक लाइन मैंने आपको भरकर दिखाई, इसमें फूलों से क्या आएगा इसके आगे, नित हंसना सीखो। इसी तरीके से आपको ये तीनों लाइनें बुक में से ही देखकर आपको कंप्लीट करनी है और लिखनी है। शब्द भी तीखा में देखिए, का पाठ देखिए, विलोम शब्द लिखिए, विलोम शब्द कहते हैं उल्टे शब्द, यहाँ पर जो शब्द लिखे हुए हैं उनके आपको उल्टे शब्द लिखने हैं। जैसे पहला है हंसना, तो इसका उल्टा होगा रोना, दुख सुख, अंधेरा उजाला, कोमल कठोर, स्वदेश विदेश, जीवन मृत्यु, ये आपको बुक के अंदर ही फील करना है। खा पाठ देखिए, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए, यहाँ पर आपको वचन बदल कर लिखना है। जैसे पहला है आपका फूल, फूल एक चीज है, यानी एक फूल को कहा है इन्होंने, जब बहुत सारे होंगे तो उसे हम कहेंगे फूलों, डाली डालियां, किरण किरणे, मछली मछलियां, भोरा भोरे, झोंका झोंके, पेड़ पेड़ों, प्राणी प्राणियों, ये भी आप बुक के अंदर ही फील करेंगे। बच्चों आपकी कविता कंप्लीट हो गई है, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं और शब्द अर्थ कॉपी में लिखने और याद करने हैं और अदरवर्क बुक में आपको कंप्लीट करना है। बच्चों आई होप आपको कविता और जितना भी वर्क मैंने आपको बताया है सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।